नमस्कार आप सभी का। आप देख रहे हैं अखंड भारत टीवी और मैं हूं अपराजिता श्री। आज मैं आई हूं, जैसा आप मेरे पीछे देख सकते हैं, स्वर्ण महासंघ फाउंडेशन के आज उद्घाटन है। तो हमारे बीच है इस फाउंडेशन के अध्यक्ष जो आज ही अपॉइंट किए गए हैं, तो आइए मिलाते हैं आपसे। सर आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम ओम प्रकाश सिंह है। आज मैं स्वर्ण महासंघ फाउंडेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित किया गया हूं। आपकी इस टीवी के माध्यम से सभी देशवासियों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। मैं जानना चाहूंगी कि आखिर जो ये संघ स्थापित हुआ है, इसका उद्देश्य क्या है, अगर विस्तार में आप इस बात पे थोड़ा रोशनी डाल सके तो। स्वर्ण महासंघ का मेन उद्देश्य है सवर्णों के हित की बात करना। पूरे भारतवर्ष में सवर्णों के हित के लिए सर्वप्रथम हमारा उद्देश्य है शिक्षा। सवर्णों के बच्चों को जो गरीब हैं, जो पढ़ा नहीं सकते हैं, जिनको किसी भी तरह की कोई मदद नहीं मिलती है, इस संगठन के द्वारा सवर्णों के बच्चों को IAS, PCS, IIT, MBA, MD, BA जो है उनकी कोचिंग के लिए फ्री में एजुकेशन के लिए उनको एजुकेशन दिलवाया जाएगा। दूसरा हमारा है सवर्ण महासंघ के इस बैनर के तले सवर्ण को जो बेरोजगार हैं उनको स्वरोजगार प्रदान कराना। इस बैनर के माध्यम से हम पूरे भारतवर्ष के सवर्णों को जो जिनको नौकरी नहीं मिल रही है, पढ़े लिखे हैं, हम उनको स्वरोजगार दिलाने के लिए अपने बैनर के जरिए उनका पूरा मदद करेंगे, आर्थिक और आर्थिक तरह से, मानसिक तरह से, हर ढंग से उसका सहयोग करेंगे। संघ के साथ और कौन कौन लोग जुड़े हैं और इसका जो उद्देश्य है वो तो बहुत ही बेहतरीन है जैसा आपने बताया। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, मतलब क्या सोचा था आप लोगों ने फिर इस जो संघ की जो स्थापना हो पाई उस बारे में अगर आप जो कोई बता सके। जो भी प्रधानमंत्री होने या मुख्यमंत्री होते तो राजनीति उनको जात देख के किस तरह से क्यों किया जा रहा है, क्योंकि इसको जात न देख के आर्थिक आधार पे उनकी मदद मिलनी चाहिए। मैं उसका सपोर्ट करता हूं, लेकिन ये आर्थिक आधार पर न होके ये जातिवाद को हो रहा है। मैं इस जातिवाद वाली इस राजनीति का मैं विरोध करता हूं और इस सवर्ण महासंघ के द्वारा बताना चाहता हूं जो इस देश पर वही राज करेगा, जो सवर्णों का साथ देगा, सवर्णों के साथ है, वही राज कर सकता है। हम इसका पूरा विरोध करेंगे। आज की डेट में इस देश में 80% सवर्णों का वर्चस्व है, लेकिन क्या ये संविधान और ये राजनेता जो है सवर्णों को अलग अलग डिवाइड कर दिए, जिससे हम एक सहमत नहीं हो पा रहे हैं। अभी सवर्ण जाग चुका है इस माध्यम के द्वारा, सवर्ण माध्यम के द्वारा, कि अभी हम लोग इन नेताओं को इन संविधान में अगर वो बदलाव नहीं किया तो चाहे देश की राजनीति हो चाहे प्रदेश की राजनीति हो, हम उसको उखाड़ फेंकेंगे और वहां पे सवर्णों का वर्चस्व लाएंगे। और जैसा कि आपने इन्हें सुना होगा, ये जातिवाद के विरुद्ध है और नहीं चाहते कि कास्ट के बेसिस पे किसी को जॉब या फिर किसी को एजुकेशन मिले, परंतु जो काबिल है उसी को सही रोजगार मिले, एजुकेशन मिले। तो बहुत ही अच्छी आपकी जो ये जो विचारधारा है वो काफी बेहतर है।